जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हारून शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल आकब में, और यहाँ वही एक प्रॉब्लम है, वही एक मसला है जो पूरे शहर का मसला है, और वो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली, नाकामी। सेवरेज का पानी यहाँ पर जमा है, गटर कई महीनों से साफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ कारोबार तबाह हो चुका है, दुकानदार बदहाल हो चुके हैं। और यहाँ पे सेवरेज के पानी मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह से दुकानों के आगे जमा है, लोग परेशान हैं, और शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन और दीगर शॉपिंग करने वाले कराची के शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं, और यहाँ के दुकानदार इंतहाई परेशान हैं और सरापा एहतजाज हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है उनसे हम जानते हैं, वो क्या कहते हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इस नाअहली पर। जी, आप बताइएगा कि क्या मसले मसाइल हैं आपके और क्या हुआ? ये कम से कम रमज़ान से पहले का ये हाल है, 6 महीनों से ज़्यादा हो गया, और ये अगर कभी ये काम करते भी है तो 15 दिन काम करके जाते हैं, साफ़ होता है, फिर वही कहानी हो जाती है कि लाइन का पानी इसी तरह शुरू हो जाता है। ये सिर्फ दो पूरे साल के अंदर मुसलसल अगर देखा जाए तो ये 2 महीने या 3 महीने ज़्यादातर साफ जगह रहती है, बाकी 9 महीने तक यही हाल होता है जो अभी नज़र आपको आ रहा है। इसका ये बुनियादी मेन मसला है, इसकी मेन लाइन का वो पहले से डैमेज है, ख़राब है, उसको हम गली अपने यहाँ मोहल्ले के काउंसलर को भी बोल चुके हैं, मगर वो काम तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्या वजह है, वो भी करते हैं काम मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से प्रॉपर ये काम होना चाहिए, जी, वो जी, तरीके से कोई नहीं। आप ये देखें कि यहाँ पर सेवरेज की जो लाइनें हैं वो 1857 की पड़ी हुई होंगी, अंग्रेज़ों के ज़माने की, और आज तक वो दुरुस्त नहीं हुई हैं। सिटी गवर्नमेंट ने क्या काम किया वो तो सबके सामने है, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए। अब ये लोग जानते नहीं हैं कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, किसके पास जाना है, कौन पुरसाने हाल है, कुछ नहीं पता, कौन यहाँ काम कराएगा कुछ नहीं पता, और शायद जो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी नहीं पता कि काम कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, वो शायद सिर्फ सीटें गर्म करने आए हैं। Z110 News, खबर की असल खबर।